दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन देखेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो EKYC हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है, और ये फ्री है टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है समग्र वाईसी EKYC कैसे करें। तो ये है पहला पॉइंट, ये है, ये महिला बाल विकास आयोग ने ये निकाला है, आयोग ने ये निकाला है, ठीक है। यह पूर्णतः निःशुल्क है क्योंकि ये आप MP ऑनलाइन में जाएंगे जो कि उसके वाले हैं वो फ्री में करेंगे क्योंकि इनको 15 रुपये सरकार पे करती है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि जो राशन दुकान है वहाँ से भी करा सकते हो, राशन दुकान वाले के पास मशीन रहती है उससे भी KYC होती है राशन कार्ड, ठीक है। MP ऑनलाइन और स्वयं के द्वारा ये मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसकी लिंक, तो आप कैसे करेंगे वो हम पूरा बता देंगे, उसमें 24 घंटे में अपडेट हो जाता है। और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ये देख लेते हैं। समग्र आईडी लगेगी इसमें, ठीक है, आधार नंबर लगेगा, आधार नंबर के बाद समग्र आईडी, जो समग्र से लिंक मोबाइल नंबर है। लिंक मोबाइल नंबर से कुछ नहीं होता है, वहाँ अपडेट का भी ऑप्शन आता है, अगर नहीं भी हो ना तो वहाँ पे अपडेट कर देना मोबाइल नंबर और आप इसको EKYC कर सकते हैं। हाँ, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है क्योंकि OTP आएगा वेरीफिकेशन के लिए, तो वो होना जरूरी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेन हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।